इस वीडियो में मैं आपको एमुलेटर के लिए बेस्ट से बेस्ट गेम सजेस्ट करने वाला हूँ आफ्टर फ्री फायर एंड बीजीएमआई। ये दोनों गेम्स तो गए, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार कौन सा गेम खेल सकते हैं, एमुलेटर फालतू हो गया, कुछ कर नहीं सकते, अब क्या करें, मतलब पीसी गेम्स पे ही जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं भाई, एमुलेटर्स में खेलने के लिए बहुत सारे गेम्स है जिसके बारे में लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं होता है और वो लोग एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते क्योंकि एक ही चीज पे अटक के रह जाते हैं ना, तो भाई एक्सप्लोर करने का टाइम भी नहीं मिलता है। अब मैं आराम से आपको बताता जा रहा हूँ इस वीडियो में, आप इजीली वीडियो को आराम से देखते देखते बहुत सारे गेम्स के बारे में पता लगा सकते हो कि कौन कौन से गेम्स है एमुलेटर में खेलने के लिए। स्पेशली ब्लू स्टैक की बात कर रहा हूँ बिकॉज बाकी सारे गेम एमुलेटर में कहीं पे होता है अवेलेबल, कहीं पे नहीं होता है। ब्लू स्टैक में सभी गेम्स अवेलेबल होते हैं, जो भी फोन के अंदर गेम्स एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में होता है वो सारे गेम्स ब्लू स्टैक के एमुलेटर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, मैं ब्लू स्टैक में खेलता हूँ और ब्लू स्टैक में मेरे इतने सारे गेम्स अभी फिलहाल के लिए मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। जैसे फ्री फायर मैक्स का तो बात ही छोड़ दो, वो तो मेरा डाउनलोडेड है, हालांकि मैं खेल नहीं रहा हूँ, बट उसके अलावा भी मैंने मोबाइल के जितने और कुछ गेम्स है जैसे कि इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी गेम प्ले वीडियो दो दो डाल के रखा है। हैप्पी व्हील्स जो कि मैं कभी कभार खेल लेता हूँ, अभी फिलहाल के लिए नहीं खेल रहा हूँ, ये भी एक मोबाइल गेम है, बहुत अच्छा गेम है। मिस्टर मीट 2 जिसका मैंने ऑलरेडी एक गेम प्ले डाला हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ हफ्ते हो गए अभी मैंने डाला हुआ है उस गेम कभी। The Walking Zombie 2 ये भी मैं खेल रहा था, इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो भाई ये सारे गेम्स ना फोन्स में एक्चुअली खेले जाते हैं बट मैं एमुलेटर के थ्रू खेल रहा हूँ ब्लू स्टैक पाइप में, जिसमें मजा क्या आता है पता है? फोन में पहली बात तो यार छोटा स्क्रीन बड़ा मजा नहीं आता है, यहाँ पे बड़ा मजा आता है क्योंकि बड़ा स्क्रीन होता है। और अगर पीसी लेके रखा हुआ है तो भाई एमुलेटर को लेके उसमें अगर गेम्स खेल रहे हो उसमें एक पीसी वाली वाइब आ जाती है ना, पीसी गेम्स खरीद नहीं सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे अच्छा ये है कि मोबाइल गेम्स को पीसी में खेलकर पीसी का वाइब ले सकते हो। और पीसी में ना एमुलेटर्स के जरिए खेलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे गेम्स है, मैं ऐसे गेम्स बताऊंगा जो कि एक्चुअली मल्टीप्लेयर भी गेम्स है, उनको भी खेल के बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मैंने जिस गेम को रखा है एमुलेटर के जरिए खेलने के लिए वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 7। और ये गेम बहुत ही बढ़िया गेम है, ऑब्वियसली सबको पता होगा गेम कितना ज्यादा पॉपुलर है आफ्टर फ्री फायर एंड बीजीएमआई, कितना बढ़िया ये गेम है और उनसे भी बढ़िया बेटर गेम है एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए। लेकिन कभी हम लोगों ने ट्राई नहीं किया है कि एमुलेटर में भी ये गेम खेलने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बात है कि मैक्सिमम लोग फ्री फायर और बीजीएमआई की तरफ थे। तो यस ये बहुत ही बेटर चॉइस हो सकता है अगर आप लोग मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम की तलाश में हो, और ये गेम ही एक्चुअली अभी के टाइम पे नेक्स्ट पॉपुलर गेम है आफ्टर बीजीएमआई एंड फ्री फायर इन इंडिया बोल सकते हो। तो ये गेम खेलने के लिए आप एमुलेटर ट्राई कर सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्लू स्टैक 5 है ना और एक अच्छा खासा एक ठीक ठाक सा अगर आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है ना, फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा खासा इन दी सेंस मतलब i3 वगैरह तो कम से कम होना ही चाहिए अगर बेटर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, चाहे ग्राफिक्स कार्ड तुम्हारा अलग से हो या फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी क्यों ना हो, लेकिन कम से कम एक अच्छा खासा प्रोसेसर होना जरूरी है i3 कम से कम मिनिमम, बिकॉज कॉल ऑफ ड्यूटी 2.5 1GB का गेम है और फिर जाके बाद में इन गेम में भी ये बहुत जगह खाएगा और बेटर देन फ्री फायर बेटर देन BGMI भी है। सो या वैसे गाइस UGW आ रहा है, देखो यहाँ पे कमिंग सून है, मैं यहाँ से भी प्री रजिस्टर करके रखता हूँ, वेन अवेलेबल मैं यहाँ पे कर देता हूँ रजिस्टर। नेक्स्ट जो गेम मैंने चॉइस किया है वो है ARK Knights। ये एक बहुत बढ़िया गेम हो सकता है एनिमे लवर्स के लिए, जो लोग एनिमे पसंद करते हैं स्पेशली। मैं उतना ज़्यादा एनिमे देखता नहीं हूँ बट हाँ एक टाइम पे तो बहुत देखा हुआ है, बट अभी के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा एनिमे फैन हो ना तो भाई मस्ट ट्राई करो, ये गेम बहुत बढ़िया गेम है। मैंने इसके बहुत सारे हाइलाइट्स वगैरह देखा, मैंने बहुत गेम प्लेस वगैरह देखा, हालांकि मैंने खुद नहीं खेला है, बट गेम देखने में जब इंटरेस्टिंग लगने शुरू हो जाए ना तब तो फिर खुद भी जाके तुम खेलोगे तब भी मजा आएगा। तो ये एक ARK Knights करके इसका साइज देख सकते हो 1.5GB, मतलब गेम बुरा बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिकॉज 1.5GB ब्रो दिस इज नॉट अ जोक। एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स, मतलब एनिमे का ग्राफिक्स आता है लेकिन बहुत अच्छा खासा फील देगा खेलने के बाद पता चलेगा। तो बताना मुझे खेलने के बाद कैसा लगा ARK Knights। एक और गेम मुझे बहुत बढ़िया लगता है इनटू द डेड 2। ये गेम मैंने पहले खेला हुआ है बट इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था, उस टाइम पे मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था, लेकिन हाँ ये गेम पीसी में खेलने के लिए बहुत बढ़िया गेम है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, ये गेम खेल के मजा आ जाएगा। स्टोरी बेस्ड गेम है, बहुत अच्छा लगता है, मल्टीप्लेयर नहीं है लेकिन एक बहुत अच्छा सिंगल प्लेयर स्टोरी बेस्ड गेम है। एक आइलैंड में सर्वाइव करना पड़ेगा, देखो सर्वाइव द ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जो लिखा हुआ आ रहा है सेम आपको ऑफलाइन में खेलने को बहुत मजा आएगा। 1.6GB का साइज है और देख सकते हो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, मतलब बहुत ही बेटर एक गेम है, बहुत बहुत मस्त आने वाला है। मतलब लुक देखो यार, यहाँ से लुक देख के पता चल रहा है कि कितना बेटर कितना बढ़िया गेम हो सकता है यार इनटू द डेट 2। ये मेरे हिसाब से एक और चॉइस हो सकता है तुम लोगों के लिए एमुलेटर में खेलने के लिए। नेक्स्ट गेम है स्टैंड ऑफ 2। इस गेम को भी खेलने में बहुत ज़्यादा मजा आता है एक्चुअली में, ये मल्टीप्लेयर कॉम्पिटिटिव एक गेम है। बहुत सारे लोगों को इस गेम के बारे में पता नहीं है, बहुत अच्छा गेम है, देख कर पता लग रहा होगा तुम लोगों को। यहाँ पे देखो हम लोग नाइफ वगैरह ये जो होता है ना हमारे हाथ में, ये
एक स्पेशल नाइफ रह सकता है। और ये जैसे कि हम लोगों ने, अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी वैलोरेंट वगैरह ये सब गेम्स देखा हुआ है ना, तो उसके जैसा ही कई हद तक ये गेम है मोबाइल में खेलने को देखने को मिलता है। देखो तुम इसके स्ट्रक्चर्स देख के पता लग जाएगा तुमको कि कैसा गेम है। सिमिलर टू वैलोरेंट एंड CS:GO, मतलब काउंटर स्ट्राइक जैसा गेम है, तो बहुत मजा आएगा भाई ये खेलने में अगर तुम लोग ये गेम खेलते हो ना। फोन भी है ना, PC नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये एमुलेटर के प्रॉस्पेक्ट से बता रहा हूँ, बट अगर नहीं है फिर भी यार फोन में डाउनलोड करके खेल सकते हो। 1.5 GB का गेम है, बहुत बढ़िया ग्राफिक्स क्वालिटी भी देखने को मिलेगा एंड मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। एंड मल्टीप्लेयर गेम्स अगर तुम PC में खेलते हो एमुलेटर में, फिर तो भाई एक्स्ट्रा मदद मिल जाता है, क्योंकि की बाइंडिंग्स तुम्हारे मल्टीप्लेयर मतलब समझ रहे हो ना, मल्टीपल काम के लिए की बाइंडिंग्स बहुत अच्छा खासा कर सकते हो। कीपैड्स का मतलब कीबोर्ड्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा खासा कर सकते हो, अपने तरीके से अपने जैसे बटन्स को तुम यूज़ कर सकते हो। और अगर पहले से फ्री फायर या BGMI में खेलते खेलते आए हो तो भाई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, फिर तो इन सभी गेम्स में मचाने वाले हो लिटरली। नेक्स्ट गेम है वर्ल्ड वॉर हीरोज WW2 PvP FPS। ये गेम 1.7 GB का गेम है और मल्टीप्लेयर कॉम्पिटेटिव गेम है। गाइस तुम लोगों को एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, शायद इस गेम के बारे में इससे पहले पता होगा बहुत सारे लोग, आई शुड से कि ये जो वीडियो बंदे देख रहे हैं ना, उनमें से 90% लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये गेम एग्जिस्ट करता है। लिटरली भाई इसके ग्राफिक्स देखो, तुम्हें देख के पता चल जाएगा। ट्रेलर में खैर छोड़ो, ट्रेलर अलग दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है ना, ये इन गेम शॉट्स लिए जाते हैं, स्क्रीन शॉट, समझ रहे हो ना। तो ये सारे देख के तुम्हें एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है ना कि ग्राफिक्स कितना सही है। और कभी भी इसको खेलते हो तुम्हें ये लगने नहीं वाला है कि तुम लोग कोई मोबाइल गेम खेल रहे हो। लिटरली PC गेम्स जो पहले हुआ करते थे उनके बराबर के गेम्स अभी के टाइम पे मोबाइल में आना शुरू हो चुके हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और अगर इस गेम को खेलोगे ना तो मुझे ज़रूर से फीडबैक देना कि कैसा लगा ये गेम खेलने के बाद, क्योंकि 1.7 GB का गेम है भाई, ऐसे फालतू का तो 1.7 GB नहीं देने वाला है ना, कुछ तो डाला होगा, और जो डाला है वो तो दिख रहा है यहाँ पे सामने से। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके आप लोग खेल कर मुझे बताओ कि कैसा लगा वर्ल्ड वॉर हीरोज खेलने के बाद। स्पेशली अगर एमुलेटर में खेल रहे हो तो मुझे एक्सपीरियंस बताना कि कैसा लगा, मोबाइल में हो तो जाओ भाई, क्यों लेट कर रहे हो, अभी फ्री फायर और BGMI का कुछ नहीं है, जाओ ये सब गेम्स को एक्सप्लोर करो, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लेयर कॉम्पिटिटिव है ना तो मजा आएगा जरूर। अब अगर मैं इस गेम के बारे में ना बताऊं तो भाई शायद ही आज के इस वीडियो का कोई मीनिंग रह जाएगा, क्योंकि एपेक्स लेजेंड्स आने के बाद से लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है वाइब। मतलब एपिक्स लेजेंड्स हाँ बोल सकते हो एक फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ गेम है, मल्टीप्लेयर है, बैटल रॉयल है, सब कुछ सेम है फ्री फायर BGMI जैसा ही कॉन्सेप्ट है, एकदम उतरो फिर मारो फिर सर्वाइव करो फिर जिंदा रहो आखिर तक, यही मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम है बट फ्यूचरिस्टिक है ब्रो, क्योंकि गन्स में पावर मिलेंगे, कैरेक्टर्स में पावर शायद है क्या, और कैरेक्टर्स में भी पावर मिलेंगे जो कि फ्री फायर वालों को ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। BGMI में क्योंकि कैरेक्टर्स में कोई पावर एबिलिटीज़ नहीं होती थी, गन्स में भी नहीं होता था, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला शायद से उनको ज़्यादा अच्छे से पहली बार में, बट धीरे धीरे ये सभी चीज़ें धीरे धीरे मतलब हैबिट्यूट हो जाएंगे लोग उनसे। और वैलोरेंट वगैरह जो है ना, ये काइंड ऑफ वैसा ही कुछ हद तक वैसा गेम है, बट इसके एरियाज जो है बहुत ज़्यादा है। एपेक्स लेजेंड्स खेलने में बहुत मज़ा आता है, एक्चुअली में PC गेम था, उसमें ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा बहुत सही है, मैंने डाउनलोड करके भी रखा हुआ है अभी, बट मैंने उसको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, बस डाउनलोडेड है मेरे PC वाले वर्जन में। बट एमुलेटर के जरिए अगर आप खेलना चाहते हो तो इसमें जाके ज़रूर खेल सकते हो, यहाँ पे Google Play Store में जाओ। फ़ोन से खेलना चाहते हो तो फ़ोन में जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, अगर एमुलेटर में खेलना चाहते हो तो एमुलेटर में जाके प्ले स्टोर में घुस के एपिक्स लेजेंड्स को सर्च करो और इंस्टॉल करो। भाई क्या ज़बरदस्त गेम है, खेलने में क्या मज़ा आता है, देखो लुक्स देखो यार, क्या सही गेम है, मतलब सीरियसली बहुत सही गेम है, मैंने खेल के देखा हुआ है, खुद खेला है मैंने PC वाला वर्जन, तो मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत मज़ा आएगा। और अभी तो फिलहाल के लिए यही फ्यूचर है इंडिया का। अब जो गेम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद ही किसी ने सुना होगा जो कि अभी ये वीडियो देख रहा है, इसका नाम है गैंगस्टर न्यू ऑरलियंस। मतलब ये गेम GTA 5 का छोटा भाई है, छोटा भाई कि अच्छा खासा एक टक्कर देने वाला भी भाई है, क्योंकि फ़ोन के अंदर अगर ये गेम मिल रहा है ना तो लिटरली इसको खेलने के बाद तुम्हें ज़रा सा भी ऐसा अंदाज़ा नहीं होने वाला है कि भाई ये गेम GTA 5 नहीं है। मतलब इसका नाम चेंज करके बस गैंगस्टर न्यू ऑरलियंस रखा गया है, शायद से तुम लोगों को यही लग सकता है। बाकी यार इसके ग्राफिक्स से शुरू करके इनके इन गेम वाइब्स, स्टोरी मोड, सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल है। 0.89 GB का गेम है, मैंने खुद इस गेम का बहुत सारा हाइलाइट्स, गेम प्लेस वगैरह देखा हुआ है, खुद डाउनलोड अभी तक किया नहीं है बिकॉज मैं GTA 5 खेल रहा हूँ अभी, RP जिसका फर्स्ट एपिसोड भी मैंने डाल दिया, शायद से तुम लोग जाके देख लो यार, फटेक से। वैसे मैंने शायद से क्यों बोला, मैंने तो डाल दिया है, तुम लोग जाके देख लो। बट ये जो गेम है ना,
ये गेम खेलने के बाद तुम लोग बोलोगे भाई जी टी ए 5 नहीं है, हमें लगता ही नहीं है कि जी टी ए 5 फ़ोन में नहीं है, यही है जी टी ए 5 का छोटा भाई, आई मीन जी टी ए 5 का यही है जुड़वा भाई। हाँ जुड़वा सही रहेगा ये, मतलब सीरियसली कभी कभी विश्वास नहीं हो पाता है कि यार हम लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट किया था। मैंने पर्सनली किया था कि एक सांप के गेम से, वो नोकिया में जो होता था कि टिक 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 करके करते खाओ, फिर बड़े होते जाओ, फिर बड़े होते जाओ, और एक टाइम पे इतना बड़ा हो जाओ कि भाई खुद को ही खत्म कर डालो वहाँ पे। तो जो भी हो वहाँ से शुरू किया था जर्नी, एंड आज के टाइम पे हमें फोन्स के अंदर कुछ ऐसे गेम्स देखने को मिल रहे हैं जो कि एक्चुअली में जॉर्ड से बढ़कर, जॉर्ड से कम कुछ तो नहीं है ना। मतलब देखो यार ग्राफिक्स देखो, ऐसे बाइक्स ऐसे कार्स ये जो है ना इन गेम मिलने वाले हैं, और ये कुछ झूठा या कुछ भी ऐसा नहीं है। पुलिस के हेलीकॉप्टर्स नॉर्मली हम लोग जो सैन एंड्रियास खेलते थे, इवन गाइस आई मस्ट से कि भाई सैन एंड्रियास भी अवेलेबल है यहाँ पे, देखो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस अगर किसी ने अभी तक सैन एंड्रियास का एक्सपीरियंस नहीं लिया है ना पीसी में, तो भाई आई मस्ट से कि भाई जाओ 182 रुपीज़ पे करो, बस 182 रुपीज़ पे करो, और एक्चुअली में GTA का जो शुरुआत हुआ था ना GTA सैन एंड्रियास के वाइब के जरिए, उसको जाके एक बार फील करके आओ। क्योंकि वाइस सिटी वगैरह ये सब तो थे ही, लेकिन एक्चुअली में जो क्रेज़ बढ़ा है ना GTA का, वो सैन एंड्रियास के थ्रू ही बढ़ा है। ये मानो या ना मानो सैन एंड्रियास एक अलग ही, आज के टाइम पे भी इवन लोग खेलते हैं तो बोलते हैं भाई GTA सैन एंड्रियास एक गेम है, जो कि आज भी हम खेल के बोर नहीं होते। और मैंने तो भाई कितनी बार ना जाने खेल लिया है गेम को, स्टोरी को मैंने बहुत बार ख़त्म कर दिया, लेकिन स्टिल मैं बोर हो जाता हूँ, मतलब बोर होता नहीं हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बोर ही नहीं होता हूँ मैं इस गेम से, और बहुत मज़ा आता है। देखो भाई CJ इज ऑलवेज ग्रेट। वैसे है तो ये अभी प्ले स्टोर में ही, और इसका 2.5 GB का साइज है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर PC है ना तो ज़रूर से एमुलेटर लो, और एमुलेटर में ये गेम डाउनलोड करके फिर खेलो, क्योंकि सैन एंड्रियास को अभी के टाइम पे अलग से डाउनलोड नहीं किया जा सकता है PC वाला वर्जन जो होता है, क्योंकि वो सारे ना मिक्स्ड हो चुके हैं GTA 5 के साथ, तीनों एक साथ गेम्स मिलते हैं, अलग से कोई GTA Vice City आज के टाइम में डाउनलोड नहीं कर सकता या सैन एंड्रियास नहीं कर सकता है, उसको पूरा गेम खरीदना पड़ेगा GTA 5 के साथ, तभी जाके वो इन्जॉय कर सकता है। तो अगर उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हो 3-4 हज़ार रुपये, तो मस्ट GTA सैन एंड्रियास को खरीद लो, फ़ोन में खेल के अलग ही वाइब आएगा। मतलब फ़ोन में खरीदो या एमुलेटर में खरीदो, एमुलेटर में खेलो, PC में खेलो, मज़ा ही मज़ा आएगा, फुल स्क्रीन करके खेलो, अलग ही वाइब लगेगा। अच्छा अगर मैं अभी ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में ही बता रहा हूँ, तो एक और गेम है गैंगस्टर वेगस नाम करके, वर्ल्ड ऑफ क्राइम। ये गेम तो भाई अपने में अलग ही वाइब लगता है, लिटरली मैंने इसको खेला हुआ है, बहुत बहुत सही गेम है, बट एक अफसोस की बात है फ़ोन प्लेयर्स के लिए बहुत भारी गेम है यार, 2.1 GB का गेम है, इवन सैन एंड्रियास भी 2.5 GB का था, ये तो 2.1 GB का है। और मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर PC एमुलेटर की बात कर रहा हूं मैं इस गेम इस वीडियो में पर्टिकुलरली, तो इस गेम को भी तुम एमुलेटर में ही डाउनलोड करो और खेल के देखो, और मुझे आके फीडबैक देके बताओ यार कि मैंने गेम सही सजेस्ट किया या नहीं किया, खेल के मजा आ जाएगा। क्योंकि इसके ग्राफिक्स देखो भाई, 2.1 GB का गेम का साइज है, और ये ओपन वर्ल्ड गेम है, GTA 5 वाली वाइब आ जाएगी, और बाकी सारे गेम्स को भूल जाओगे, बोलोगे भाई हमें तो ये खेलना है। गेम देखो, वाओ, 100 मिलियन+ डाउनलोड्स, और क्या चाहते हो, ए न्यू एरा ऑफ इंसेंट रोमिंग इन वेगस। वेगस सिटी के बारे में पता है, ये वाइस सिटी वेगस सिटी सब एक ही रिलेटेड है, तो अगर पुराने ज़माने में वो सारे गेम्स नहीं खेले हो ना तो इनके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन इन सारे गेम्स को अभी मौका है, ट्राई कर लो भाई, बहुत अच्छे गेम्स हैं। और इस गेम को बनाया है गेम लॉफ्ट ने, जो कि मेरा एक बहुत ही पसंदीदा कंपनी है गेम्स की कंपनी में से, रॉकस्टार के बाद गेम लॉफ्ट मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा कंपनी है, दोनों ही दिल के करीब है। तो गाइज ये थे कुछ गेम्स जिनको आप एमुलेटर में डाउनलोड करके पूरा मज़ा ले सकते हो, बिकॉज अगर PC है तो उसको वेस्ट मत जाने दो, और सिर्फ फ्री फायर खेलकर PC को ऐसे यूज़ मत करो यार, फिर तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 40-50 हज़ार का PC बिल्ड करने के बाद अगर सिर्फ फ्री फायर खेलते रहोगे, जिसका अभी भविष्य एकदम डूबता हुआ दिख रहा है, बाकी छोड़ दो यार उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है, लेकिन हाँ इन सभी गेम्स को ज़रूर एक्सप्लोर करो, और मुझे आके कमेंट में बताओ ज़रूर से कि कैसा लगा गेम। बाकी तो यार एक काम करो, जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जाओ, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हो सके तो मैं कमेंट पे भी अभी पिन करके दे दूंगा, तो वहां पे जाओ टैग करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, 2000 फॉलोअर्स करने हैं, ये भी नहीं हो रहा हमसे, 2000 फॉलोअर्स करने हैं, तो फटाक से सबके साथ जाओ, एक साथ क्लिक करोगे ना तो भाई हो जाएगा इजी बीजी, 2000 इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और बाकी तो यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही डालो, आज पहली बार मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टुमारो, गुड बाय, लव यू ऑल, एंड गेम्स को ट्राई करो।